यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे वी वांट वी वांट वी वांट वी वांट हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी। सबीना अशरफी, मैं GDC डूरू से हूँ, बैच 2017। हमारा मसला ये है कि एग्जाम जो था हमारा वो सिक्र था ही नहीं पहले से। हमारा था सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, फिर हमने जब एडमिट कार्ड लाया उस पर लिखा था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये क्या था ये? हमें इंसाफ चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें री एग्जाम चाहिए या हमें पास करा दे सब स्टूडेंट्स। आपने ये मामला यूनिवर्सिटी हुकाम तक लाया है? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? हमने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि हम करेंगे कुछ, लेकिन किया ही नहीं कुछ। चार दिन हो गए तब से। हम चाहते हैं यहाँ री एग्जामिनेशन हो जाए या हमको सबको पास किया जाए। हम पिछले 3 सालों से हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने कोई क्लास नहीं लिया। फिर हमने मैडम की नोट्स में लाया कि मैडम ये हमारा स्किल नहीं है। उन्होंने हमें दिया, हमें आर्ट्स स्किल थे, सोशियोलॉजी का स्किल था, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम पॉलिटिकल साइंस का स्किल था, लेकिन उन्होंने उस वक्त हमें ये जबरदस्ती ठोका। हम मजबूर हुए इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए जब हमने पेपर देखा एवरीवन फेस गॉन डल एंड पेल। हम मजबूर हो रहे इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए क्योंकि हम जो पेपर था बिल्कुल न्यूमेरिकल था। मैं चैलेंज देता हूँ अपने प्रोफेसर को कि अगर वो पेपर ये 2 घंटे में सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ 40 मिनट्स तो आई विल ब्रेक दिस प्रोटेस्ट। हमारा मसला सबसे पहले यही कि जो हमारा स्टैटिक्स का पेपर था वो हमारे सिलेबस से बाहर था। तो जब हमें सब्जेक्ट दिए गए तो उस टाइम हमें बताया गया कि आपका सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम है। तो लेकिन बदकिस्मत से ये कहना पड़ रहा है कि जब हमें परसों एग्जाम था तो जब हमने अपना एडमिट कार्ड निकाला तो उस पर हमें दिखाया गया कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यूनिवर्सिटी से कि हमारा पेपर ऐसा होगा। तो पेपर जो था वो मतलब हमारी सोच से बाहर था। जो हमारे प्रोफेसर साहबान थे, हम लोगों ने उनसे पेपर लिया उनके पास, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो पेपर हाई लेवल का है। तो हम यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से कि हमारा पेपर दोबारा हो जाए क्योंकि ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है।